दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद सोमवार को पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा छाया रहा, तो वहीं पार्टी में लवली पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। चुनाव से पहले पार्टी के ऊपर किसी भरोसेमंद नेता को अध्यक्ष नियुक्त करने की चुनौती है, तो वहीं सूत्रों की माने तो जल्दबाजी में किसी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने की बजाय फिलहाल किसी वरिष्ठ नेता को कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किए जाने की ज्यादा संभावना है। इसके लिए खासतौर पर डॉक्टर नरेंद्र नाथ और हारून यूसुफ के नामों पर चर्चा की बात कही जा रही है। वहीं लवली के इस्तीफे का असर सोमवार को दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर भी देखने को मिला। कार्यालय पर दिन भर सन्नाटा छाया रहा और केवल कर्मचारी ही वहां पर दिखाई पड़े। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सोमवार को कहा कि गठबंधन को लेकर लवली द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और झूठे हैं। भाजपा नेताओं की शह पर वो पार्टी पर झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस को शर्मसार करने का प्रयास कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि लवली पार्टी को और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। लवली ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है। लवली ने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और उनका दृष्टिकोण अलग है। वो मानते हैं कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं उसे मनाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि उसे पार्टी से निकालना चाहिए। आप नेता संजय सिंह द्वारा उन्हें गठबंधन का आर्किटेक्ट बताए जाने पर लवली ने तंज कसा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि संजय सिंह अच्छे आदमी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जेल से आने के बाद वो सामान्य नहीं हो पाए हैं। पिछले साल अप्रैल में इंडिया ब्लॉग बना था, तब वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और राजेश लिलोठिया कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख पद के संभावित दावेदार हैं। दरअसल सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी कि यादव या लिलोठिया में से कोई एक लवली की जगह ले सकता है। पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं का मानना है कि इस पद के लिए अभिषेक दत्त के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।